आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। आप सांसद संजय सिंह के घर पर पहुंची है ईडी की टीम। शराब घोटाला मामले को लेकर संजय सिंह के घर पर ईडी द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं पर ईडी की गाज लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में है इस वक्त, और अब शराब घोटाला मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी द्वारा छापा मारा जा रहा है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या है ताजा अपडेट फिलहाल? ईडी के हाथ क्या कुछ लगा, कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कार्रवाई कहां तक पहुंची? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मेरे पीछे संजय सिंह का यह आवास है और संजय सिंह के आवास को दिखाना चाहेंगे जहां पर ईडी के अधिकारी सुबह 7 बजे पहुंचते हैं और यहां पे सर्च चल रहा है लगातार। देखिए, ईडी के अधिकारी अंदर हैं और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी अंदर हैं और अभी भी जो है ईडी के अधिकारी यहां पे जुटे हुए हैं कि कोई मजबूत, कोई ठोस आधार सबूत मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज सुबह जब ईडी की छापेमारी हुई तो उस समय पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा था। अचानक ईडी की टीम यहाँ पे पहुंचती है, उसके बाद पूरी तरह से तमाम चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेती है और लगातार अभी पूछताछ भी की जा रही है जो जानकारी मिल रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें, देखिए, जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो दो आरोपी थे जो अब सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है संजय सिंह को लेकर के, जिसके बाद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ईडी ने यहाँ पे छापेमारी की है। इसके पहले भी मई के महीने में ईडी ने संजय सिंह के घर पे छापेमारी की थी और ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का जब नाम आया था तो संजय सिंह की तरफ से तमाम स्टेटमेंट दिया गया था कि उनको फंसाने के लिए जो है ईडी के ऊपर दबाव बनाया गया है और इस वजह से उनका नाम आ रहा है। शराब घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो शराब घोटाले में जो पैसे की जो हेरा फेरी हुई है, उसके जो दो गवाह हैं मुख्य रूप से दिनेश अरोड़ा, जो लगातार जो जानकारी दिए हैं गवाह बनने के बाद ईडी को, उसके आधार पर ही ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है और अब ईडी के तमाम जो अधिकारी अंदर हैं और संजय सिंह भी अंदर हैं तो तमाम चीज़ों को अभी सर्च किया जा रहा है। जब भी ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है तो जब उसके हाथ कोई ठोस सबूत लगता है उसके बाद इस तरह से एक्शन में ईडी के अधिकारी दिखते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईडी को जो साक्ष्य मिला होगा सरकारी गवाह के आधार पर, उस साक्ष्य के आधार पर ही ईडी यहाँ पे एक्शन में है और लगातार सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है छापेमारी की। यहाँ पे जो पूछताछ चल रही है सर्च चल रहा है और 10 बज गए हैं तो अभी तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं बताया जा रहा है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो साफ तौर से इस चीज़ का को लेकर के इनकार कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को फंसाने की कोशिश है, इनका ये कहना है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली शराब घोटाला इतना बड़ा कांड है कि इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, तमाम ऐसे अधिकारी जो जेल में है इससे संबंधित, और अब जो है संजय सिंह जो लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, उनके घर पे ईडी ने दस्तक दिया है, कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में अब देखिए, ईडी का जो पूछताछ का जो क्रम है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाथ है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री तक ईडी पहुंचती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी के अधिकारी अंदर हैं, संजय सिंह भी अंदर हैं, संजय सिंह से तमाम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पूरा शराब घोटाला मामला है, इसमें चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, इनकी किस तरीके की भूमिका ये सरकारी एजेंसियाँ कह रही हैं, किस तरीके की भूमिका रही जिसकी वजह से चार्जशीट दाखिल हुई और अब ये छापेमार कार्रवाई हो रही है, और आगे क्या संजय सिंह पर गाज और भी ज़्यादा गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली शराब घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला है और तमाम नियमों को ताक पर रख कर जो है इस घोटाले को अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल के नेता इसे बड़ा मुद्दा बना दिए थे। जो लगातार करप्शन हुआ और दिल्ली में जो एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुआ शराब घोटाले को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो मुद्दा बनाया ही, जो सरकारी एजेंसी ईडी सीबीआई इस मामले की जाँच पहले से ही कर रही है। इस मामले में देखिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं और भी तमाम लोगों को लेकर के पूछताछ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जो है
संजय सिंह के ऊपर जो है यह शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सरकारी गवाह बने हैं और सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर जो है यह एक्शन ले रही है, यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी हुई है। तो कहा जा सकता है कि संजय सिंह को लेकर के कुछ ऐसे ठोस सबूत होंगे सीबीआई के पास, जिसके बाद जो है सीबीआई एक्शन में है और लगातार उनके घर पे जो है करीब 3 घंटे से अधिक का समय हो गया और सीबीआई के जो अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, एक तरह से पूरे घर का सर्च कर रहे हैं और साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी छापेमार कार्रवाई हो रही है संजय सिंह के आवास से। क्या ईडी के हाथ लगेगा, क्या कोई दस्तावेज महत्वपूर्ण लग सकते हैं, शराब घोटाला मामले में संजय सिंह का नाम आ रहा है अब इस मामले पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार घेर रही है। अब जब संजय सिंह के घर पर इतनी बड़ी छापेमार कार्रवाई सुबह से हो रही है, राजीव किस तरह के रिएक्शन, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा इस पर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हों या आतिश सिंह, ये सभी लोग लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं और उन लोगों का ये कहना है कि जो भी ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है या सरकार के दबाव में की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आज भी इस बात से इनकार करते हैं कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं पूरी तरह से कट्टर ईमानदार हैं और इनको फंसाया गया है। तो यह एक राजनीतिक बयान है, लेकिन फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है वह जो इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, जो पैसे का हेरा फेरी हुआ है, उसमें जो आरोपी हैं उन्होंने जो गवाही दी है, उन्होंने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर जो है संजय सिंह के घर पे छापेमारी हुई है और यही ठोस सबूत है सीबीआई की टीम के पास। और सीबीआई इस तरह का एक्शन लेती है तो कोई ना कोई उनके पास ठोस सबूत होता है तभी इस तरह क्या कार्रवाई करती है और लगातार पूरे घर का सर्च ऑपरेशन करती है, उनसे जानकारी जो आरोपी होते हैं उनसे लेने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा साक्ष्य जरूर होगा शराब घोटाले में, भले ही संजय सिंह अपने आप को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन जो उन्होंने मीडिएटरशिप का काम किया था शराब घोटाले में, कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो टेंडर दिया गया था, साउथ के कई शराब कारोबारियों की आवाज के बाहर आप हैं राजीव, और काफी ज्यादा हलचल इस वक्त हो रही है क्योंकि ईडी की टीम घर के अंदर है, उनके आवास के अंदर छापेमार कार्रवाई कर रही है और बाहर काफी ज्यादा हलचल तेज है। राजीव आप बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो आप देखिए संजय सिंह के आवास की तस्वीरें हैं और घर के अंदर ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। आप सांसद संजय सिंह का नाम शराब घोटाले केस में आ रहा है और इसी को लेकर ईडी ने ये एक्शन लिया है। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह के घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी केस के सिलसिले में ये जांच कर रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है, संजय सिंह पर 82 लाख रुपए की हेरा फेरी का आरोप लग रहा है। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है शराब घोटाला मामले में। इस प्रकरण से एक बात साफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं ईडी हो चाहे दूसरी केंद्रीय एजेंसियां हो, शराब घोटाला मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही हैं।